नंबर देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कहां पर होता है, किस कंडीशन में होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां कहीं भी आपको एनडीआईटी ग्रुप में जाए, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये क्वेश्चन अपने को मिलना चाहिए, चाहे इसके इधर कुछ भी हो। तो यहां पर क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। मान लीजिए आपके पास यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है, अपने को क्या ढूंढना है, इतना सा पोर्शन। अब ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, लेकिन यानी क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। यहां पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, हमें क्या ढूंढना है, इतना पोर्शन। ये एल्डिहाइड है, यह भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। यहां पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, यहां पर देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर नहीं मिल रहा है, यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि टॉलरेंस रिएजेंट का जो यहां पर मॉलिकल है, अब मॉलिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसके टू मॉलिकल्स लेने हैं। पहली बात, यहां से ये टू एजी आउट हो जाएगा, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये टू एजी आउट हो जाएगा। टू टू जा फोर, फोर अमोनिया यहां से आउट होगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, आपने सी एस थ्री लिखा, जो कुछ भी आपके पास है, ये कार्बन आपने लिखा, और यहां पर H और O है और यहां पर OH है। तो जरा इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाए और मेमोराइज रह सके। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, 2 AG आउट हो चुका है, 4 अमोनिया आउट हो चुका है, आपके पास यहां पर क्या बचा हुआ है, OH आयन और ओ एच आयन। और आपको पता है कि यह जो ओ एच आयन होता है यह हमेशा एच ढूंढता है, क्या करेगा, यहां से एच ये तब क्या आउट हो जाएगा, क्या क्या बन गया, वाटर बन गया। जब ये यहां से आउट हो जाता है तो आप देखिए आपके पास क्या बचा हुआ रह गया, आपके पास बचा हुआ रह गया सी एच थ्री, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका ये बॉन्ड फ्री होने के कारण यहां पर क्या बना है, ओ एच, देख लीजिए ये पता लग गया। तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि यहां पर सी टू एच फाइव होता है, क्या बिगड़ जाता है, यहां पर आप क्या लिखते, सी टू एच फाइव। यानी कि मेन पॉइंट याद रखना है कि ये पोर्शन आपका कार्बोक्सिलिक आयन में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, 2HG आउट, 2AG आउट हो जाता है, 4 अमोनिया आउट हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आज इतना ही, फिर वेट आपका मैं करूंगा कि आप और क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।